दोस्तों आज आपको एक फिर एक बार मैं बीजेपी का एक जमीनी हकीकत जो है एक असली चेहरा में दिखाने जा रहा हूँ और ये किस किस तरीके से इस चुनाव में जो है हथकंडे अपना रहे हैं वो आप खुद अपनी नजरों से देखिए और खुद उसको फैसला कीजिए कि मुझे करना क्या है। गुजरात के अंदर एक नरेंद्र मोदी की अमित शाह की एक रैली निकली थी, ऐसा एक सोशल मीडिया के थ्रू जो है एक वीडियो वायरल हुआ है और इसमें दिखाया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सारा जो है इस वक्त चुनाव का माहौल जो है बीजेपी के तरफ ही है। इतनी पब्लिक दिखाई गई है, उसमें इतनी भीड़ दिखाई गई है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि मोदी के सिवा और बाकी कोई है ही नहीं गुजरात के अंदर, इस तरीके से ये भीड़ दिखाई गई है। जैसे कि आप देख सकते हो इस भीड़ को कि किस तरीके से ये भीड़ है और कितना ऐसा लग रहा है कि इनका जो है विजय हो चुका है, ये चुनाव जीत चुके हैं, इस तरीके से ये भीड़ है। और इसकी जो हकीकत है, इसके ये वीडियो के जो पीछे एक हकीकत है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये हकीकत वो है जिसे सुन के आप खुद एक 10 मिनट के लिए आप एकदम हैरान हो जाएंगे और आपके मुंह से कुछ बातें ऐसी निकलेगी जो हम अपने न्यूज के ऊपर नहीं बता सकते हैं कि ये जो भीड़ है, ये भीड़ जब अटल बिहारी वाजपेयी का जब देहांत हुआ था तो उनका जो रथ यात्रा निकला था, जो उनके मैयत के अंदर लोग इतने लोग जो निकले थे, जो भीड़ उमड़ी थी, ये वो भीड़ है। नारा भी लगा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी का, अमर रहे अटल बिहारी वाजपेयी, अमर रहे। तो आप इस नारे को सुनिए। और किस तरीके से ये लोगों को, जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये पार्टी किस तरीके से कितनी हद तक गिर जाएगी, ये फैसला आपको करना है। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँगा, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।